अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 12 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। आज एक्सरसाइज 12.6 को आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। अभी तक जितने लेक्चर्स हुए इस चैप्टर के, उसमें 12.2 में राइट एंगल ट्राइंगल थी, उसके एंगल्स और साइड्स फाइंड करने का तरीका बताया। फिर 12.4 और 12.5 में फर्स्ट लॉ ऑफ साइन और फिर 12.5 में लॉ ऑफ कोसाइन के बाद लॉ ऑफ साइन दोनों की एप्लीकेशन सिखाई थी। आज एक्सरसाइज 12.6 है, व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, यानी ए बी सी तीनों वैल्यूज गिवन होंगी तब हमने रिमेनिंग एंगल्स कैसे निकालने हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ नोट्स में, इवन बुक में भी लिखा हुआ है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगेन हम इजी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आसान तरीका यही है कि लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा कि व्हेन ए बी एंड सी ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, तो आसान तरीका यही है कि लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से पहले आप कोई एक एंगल निकाल लें और फिर दोबारा वैसे ही लॉ ऑफ साइन के ऊपर जाएं और लॉ ऑफ साइन की मदद से दूसरा एंगल निकाल लें और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के तरीके से आप तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू 32, बी इज इक्वल टू 40 एंड सी इज इक्वल टू 66। क्योंकि थ्री साइड्स आर गिवन तो हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। अब इसमें कोई भी एंगल आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थ्री साइड्स गिवन है, तो आप कॉस अल्फा से, कॉस बीटा से, कॉस गामा से, यानी किसी भी एक लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से पहले आप एक एंगल निकाल लें, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से दूसरा एंगल निकाल लें और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की मदद से या अगेन लॉ ऑफ साइन की मदद से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ साइन लिखें, अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वेयर यानी 40 का स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मीन 66 का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यानी 32 का और स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2bc, 2 टाइम्स 40 मल्टीप्लाइड बाय 66। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 0.9341। अब क्योंकि ये कॉस अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा निकालने के लिए लिखेंगे कॉस इनवर्स, सो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.9341 विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 20.92 डिग्रीज। ये डिग्री डेसिमल में आ गया लेकिन हमने एंगल शो करना है, या जब हम कैलकुलेटर की मदद से डिग्री का साइन प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 22 डिग्री एंड 55 मिनट्स। अब अगेन मैंने आपको एक्सरसाइज 12.5 में भी बताया था कि फर्स्ट यूज लॉ ऑफ कोसाइन, जब आपके पास एक एंगल आ जाएगा तब आप लॉ ऑफ साइन की मदद से दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, वैल्यूज पुट कर दें, साइन बीटा इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय साइन 20.92 डिग्री, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है डेसिमल वाली 20.92 डिग्री, डिवाइडेड बाय ए, ए की वैल्यू हमें गिवन थी 32। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 0.4463। अब अगेन ये साइन बीटा की वैल्यू है तो बीटा निकालने के लिए लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4463 विच इज इक्वल टू 26.51 डिग्रीज। अगेन ये डेसिमल डिग्री है, अब आप डिग्री का साइन प्रेस करें कैलकुलेटर की मदद से और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब आपको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, लॉ ऑफ साइन की मदद से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। जब आपके पास दो एंगल आ जाते हैं देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करके हम तीसरा एंगल यानी गामा निकाल लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी 180 डिग्री माइनस 20.92 डिग्री माइनस 26.51 डिग्री विच इज इक्वल टू गैमा आ जाएगा। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट्स। यानी आपने देखा कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज में जाने की बजाय हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से भी तीनों साइड जब गिवन हो तो आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई सा भी लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लें, वहाँ से एक एंगल निकालें, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से दूसरा एंगल निकालें और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की मदद से तीसरा एंगल निकालें। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में जाने की, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स आपको दिए हैं उस सब में मैंने ये कहा है कि लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्योंकि आप देखें ये मैंने पार्ट क्वेश्चन नंबर टू करवाया है, बाकी क्वेश्चन नंबर वन थ्री फोर जो है वो सब इसी तरह है कि थ्री साइड्स आर गिवन, आप कोई सा भी लॉ ऑफ कोसाइन पहले यूज़ करें, एक एंगल निकालें, फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से दूसरा एंगल निकालें, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की मदद से तीसरा एंगल निकालें। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बाज़ पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इफ़ ए इज इक्वल टू 37.34, बी इज इक्वल टू 3.24 एंड सी इज इक्वल टू 35.06। अगेन थ्री साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब है हम इजी इसको लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। सिर्फ देखना क्या है, क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट एंगल, अब उसकी पहचान कैसे होगी। अब आपको पता है कि साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट वन एंड साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर लॉन्गेस्ट वन। वही रूल रखेंगे कि सबसे छोटी साइड इसमें कौन सी है, वो है बी। बी की वैल्यू है 3.24। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि बी सबसे छोटी साइड है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, बीटा, विच विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी जब भी आपको थ्री साइड्स गिवन हो, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एंगल पूछा हो, सबसे पहले देखें कि जो साइड सबसे छोटी है उसका ऑपोजिट एंगल जो होगा यानी वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और जो ग्रेटर साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, जैसे हम यहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, बी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, हैज द स्मॉलेस्ट एंगल वुड बी बीटा, बिकॉज बी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो एंगल बी वुड बी द स्मॉलेस्ट एंगल। अब अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो हम बीटा निकाल लें तो हम डायरेक्ट कॉस बीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर टू सी ए, वैल्यूज पुट कर दें, 37.34 का होल स्क्वेयर प्लस सी की वैल्यू है 35.06 का होल स्क्वेयर माइनस बी की वैल्यू है 3.24 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2CA, यानी 2 टाइम्स 37.34 मल्टीप्लाइड बाय 35.06। यहाँ पे मैं तरतीब में ए सी लिख दिया, तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट लेने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 टाइम्स ए सी लिख लें या 2 टाइम्स CA लिख लें, एक ही बात। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, आंसर आया हमारे पास 0.9980, क्योंकि ये कॉस बीटा की वैल्यू है, जैसा इसका इन्वर्स ले लें ताकि बीटा आ जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 0.9980, विच मीन्स दैट बीटा इज इक्वल टू 3 degrees and 38 minutes। यानी अगेन आपने देखा कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने का भी आसान तरीका ये है कि आप उसको लॉ ऑफ कोसाइन से सिंप्लीफाई करें, और सिर्फ ये देख लें कि जो साइड सबसे छोटी है उसके ऑपोजिट साइड आपका एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। अब इसमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, तीन साइड्स दी हुई हैं, वैल्यूज दी हैं 16, 20 and 33। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे इनको नाम रखें, लेट ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू 33। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो सबसे पहले देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी साइड की है, सी इज द ग्रेटर वैल्यू, यानी सी इज इक्वल टू 33 आ रहा है, ऐसे लिखेंगे एज सी इज द ग्रेटर वैल्यू, सो गैमा वुड बी द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी जिस साइड की ऑपोजिट साइड होगी, जिसकी साइड बड़ी होगी उसका एंगल भी, उसका ऑपोजिट एंगल भी हमेशा बड़ा ही होगा। सो सी की वैल्यू सबसे बड़ी है, लिहाजा सी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, गैमा, एज सी इज द ग्रेटर वैल्यू सो गैमा वुड बी द ग्रेटेस्ट एंगल। अब हम कॉस गैमा का फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर टू ए बी, वैल्यूज पुट कर दें, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आ गया 16 का स्क्वेयर प्लस बी की जगह आ गया 20 का होल स्क्वेयर माइनस सी की जगह आ गया 33 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2AB मीन्स 2 times 16 times 20। सिंप्लीफाई करें, कॉस गैमा इज इक्वल टू माइनस 0.6766। अब अगेन ये कॉस गैमा आया है, तो गैमा की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, इसके आंसर का कॉस इन्वर्स ले लेंगे, सो गैमा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस 0.677 विच इम्प्लाइज दैट गैमा इज इक्वल टू 132 degrees and 34 minutes। यानी चाहे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना हो, चाहे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना हो, इफ थ्री साइड्स आर गिवन, सबसे पहले ये देखें जो साइड है, जो स्मॉलर साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और ग्रेटर साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल होगा। उसी एतबार से लॉ ऑफ कोसाइन में कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा का आप आराम से फॉर्मूला यूज करके एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड अगेन पेपर्स में आता है। अब इसमें क्या है, तीन साइड्स दी हुई है, उनके नाम रख लेते हैं पहले। लेट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन एंड सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगेन यहाँ पे भी हमने ग्रेटर एंगल फाइंड करना है या ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। अब आप गौर से देखें, जो ए की वैल्यू है इसमें थ्री टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बी और सी में दो दो टर्म्स हैं, लिहाजा जो ए है दैट इज द ग्रेटर वैल्यू, सो एंगल अल्फा वुड बी योर ग्रेटर एंगल। ये लिखेंगे एज ए इज ग्रेटर सो एंगल अल्फा वुड बी द ग्रेटेस्ट एंगल, तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब फिर कॉज अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी की जगह आ गया एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू बी की जगह आ गया टू एक्स प्लस वन और सी की जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी सिंपल अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, आप इसको ध्यान से एक्सपेंड करें और लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अब टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपने फार्मूला नहीं लिखना इसको, क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे या इस लेवल पे आके फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, फार्मूला आपके माइंड में होता है, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू एक्स का होल स्क्वायर लेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिया वन प्लस टू टाइम्स ए बी, यानी टू टू जो फोर एक्स आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर भी ऐसे लेंगे ए स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर का लेंगे तो एक्स की पावर फोर आ जाएगा प्लस वन का स्क्वायर लिया तो वन आ गया माइनस टू टाइम्स ए बी, यानी टू इंटू वन इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब जो तीसरी वाली टर्म है जिसमें थ्री टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर, इसके लिए आपको आपने नाइन टर्म्स में पढ़ा था एक फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो फार्मूला आपने माइंड में रिवाइज करना है। क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, यानी उसी फार्मूले को आपने माइंड में रख के इसको एक्सपेंड करना है। यानी पहले इन तीनों के अलग अलग स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा एक्स फोर प्लस एक्स का स्क्वायर लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिया तो वन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। अब क्या है, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, यानी टू टाइम्स पहली फर्स्ट टू टर्म का प्रोडक्ट लें और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, सो टू ए बी मीन्स टू टाइम्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा टू एक्स क्यूब, फिर प्लस टू बी सी यानी टू टाइम्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो आ गया टू एक्स, प्लस टू सी ए यानी टू वन जो टू और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया टू एक्स स्क्वायर। यानी अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो उसकी जस्ट एप्लीकेशन है, ध्यान से करें। अब नीचे भी इसी तरह इस टू को ऐसे लेने दें, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, टू एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया टू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस टू एक्स, फिर प्लस वन से दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और माइनस वन आ गया। अब ब्रैकेट्स को ओपन करें और लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद सिंप्लीफाई करें। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स एज इट इज आ गया, फिर प्लस एक्स रेज द पावर फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये माइनस है, इसके सारे साइन चेंज कर दें, अंदर आ जाएगा माइनस एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस टू एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाला एज इट इज आ गया। अब जब आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से जब आप चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे यानी लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, ये देखें एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर से कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब वाली अमाउंट उठाएं माइनस टू एक्स क्यूब बच गया। सिमिलरली अब जो एक्स स्क्वायर वाली है जैसी टर्म्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर था फिर ये माइनस टू एक्स स्क्वायर था माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे इधर प्लस फोर एक्स स्क्वायर था, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, आपने इसको सिंप्लीफाई ध्यान से करना है, तो रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज हमने लिख दिया टू इंटू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। अब देखें जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर अगर दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर हम वो जो उसका न्यूमिनेटर है वहाँ से माइनस कॉमन कर लें
तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फैक्टर्स दोनों एक जैसे हो जाएंगे, उनको कटिंग में निकाल, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, अंदर आ गया 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x² प्लस x² माइनस 2x माइनस, ये दोनों सेम फैक्टर थे, इसकी कटिंग कर दी, यानी ऊपर आ जाएगा 1, जब कटिंग करते हैं तो 1 आ जाता है, तो अब आंसर हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया माइनस 1 ओवर 2। अब ये कॉस अल्फा की वैल्यू आई है माइनस 1 ओवर 2, लिहाजा इसका कॉस इनवर्स ले लें, सो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में लिखा भी यही था कि शो दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, यानी ए बी सी तीनों टर्म्स हमें दी हुई थी और प्रूव यही करना था, शो दैट द ग्रेटेस्ट एंगल वुड बी 120 डिग्री। तो हमने देखा कि जब हमने इसको लॉ ऑफ कोसाइन की मदद सिंप्लीफाई किया तो एंगल जो ग्रेटेस्ट एंगल आ रहा है वो 120 डिग्री आ रहा है, लिखेंगे हैंस प्रूव, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूव कर दिया है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री ही है। बस यहाँ पे जरा सिंप्लीफिकेशन आपने ध्यान से करनी है। वैस करवा देता हूँ कि वैन ए बी सी यानी तीनों साइड से वैल्यूज गिवन हो तब हमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज में जाने के बजाय लॉ ऑफ कोसाइन को ही यूज़ करना चाहिए, यानी आप लॉ ऑफ कोसाइन में से किसी भी कॉस अल्फा कॉस बीटा या कॉस गामा की पहले वैल्यू निकाल लें, फिर लॉ ऑफ साइन से दूसरा एंगल निकालें और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वजह से तीसरा एंगल निकाल लें। जब आपने स्मॉलेस्ट एंगल या लार्जेस्ट एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले देखें कि जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कौन सी है, उसके ऑपोजिट एंगल जो होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और ग्रेटेस्ट में आप देखें सबसे बड़ी साइड कौन सी है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो आपका ग्रेटेस्ट एंगल होगा, और स्मॉलेस्ट एंगल हो या ग्रेटेस्ट एंगल हो सब के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज़ करें, क्योंकि इन सारे केसेस में तीनों वैल्यूज दी हुई हैं ए बी और सी, तो वेन एवर ए बी सी आर गिवन इट्स द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द एंगल्स, फर्स्ट यूज लॉ ऑफ कोसाइन देन लॉ ऑफ साइन एंड अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इनमें सिर्फ एक एक एंगल फाइंड करना था, लिहाजा लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से ये आसानी से हल हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 12.7, जिसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने के डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं, वो लेके आपके लिए दोबारा से होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।